नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज। आज मैं जहां मौजूद हूं, मैं अपने कदम जो है बड़े संभाल के रख रही हूं। आपको नजर आ रहा होगा बड़ा मुश्किल सा ये एक रास्ता है। ये जगह कौन सी है मैं आपको बताती हूं। मेरा एक दिन है, मैं आज यहां आई हूं, शो करूंगी, चली जाऊंगी। जो रोज यहां पे जो रहते हैं लोग, जिनका गुजर होता है, उनके लिए कितनी मुश्किल होती होगी ये मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं मौजूद हूँ और मैं किस तरह से इंट्रो में यहाँ से यहाँ तक पहुंची हूँ, तकलीफ दे अमल है यहाँ। अच्छा, आस पास अगर आप देखें तो फ्लैट्स है, काफी सारे रिहायश है यहाँ लोगों की, नीचे दुकानें हैं, कारोबार भी है लोगों का, तो लोग बाहर भी निकलते होंगे। यहाँ गाड़ियां मेरे हाल से नहीं आ सकती होंगी, और अगर आती होंगी तो यकीनन गाड़ियां एक महीने के अंदर अच्छा खासा काम निकालती होंगी। और जो लोग यहाँ से, अगर कोई बुजुर्ग चल के जाता होगा तो यकीनन, मुझे तो ऐसा लगता है कि कितने बुजुर्ग यहाँ पे गिरे भी होंगे, क्योंकि मेरे लिए चलना इतना मुश्किल है तो बुजुर्गों के लिए कितना मुश्किल होगा। ये है शहर कराची, शादमान टाउन, UC 16 में मैं मौजूद हूँ। यहाँ के लोग किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पे किस तरह से यहाँ से जाके वो सफर करते हैं, पैदल या गाड़ी। गाड़ी वैसे मुझे मुश्किल लग रही है, फिर भी यहाँ जो लोग मौजूद है मैं उनसे बात करूंगी, उनसे पूछूंगी कि कैसा लग रहा है शादमान, कैसा लग रहा है हमारा और आपका कराची। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो ये सर्विस रोड है मेरे ख्याल से, अच्छा यहाँ कारोबार भी है, लोगों की दुकानें भी मुझे नजर आ रही है, यहाँ ज्यादा दुकानें किस चीज की? ये हर तरह की दुकानें हैं यहाँ, स्टेट भी है, पानी का भी है, खिलौने का भी है, साइकिल वगैरह की भी है, हर तरह की दुकानें हैं। अच्छा, ये इस सर्विस रोड की ये सूरत हाल कितने अरसे से है तकरीबन? आई थिंक ये तकरीबन साल होने को आ रहा है, ज्यादा हो गया, बल्कि एक दो साल हो रहे हैं। इतनी खस्ता हाल है, यहाँ कोई पुरसा हाल है नहीं, जबकि ये एक अहम शाहरा है। तो ये दो साल से ये सूरत हाल है, लोग यहाँ से किस तरह, क्योंकि मुझे आसपास फ्लैट्स बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो लोग किस तरह से यहाँ से गुजरते हैं, कितने लोगों को आपने, क्योंकि आप लोग यहाँ रहते हो तो यकीनन हादसे भी देखे होंगे, बुजुर्ग गिरते हुए भी देखे होंगे, बारिश होती होगी तब यहाँ की क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि अब आगे फिर बारिशें तो आएंगी। अब ऐसा तो हम नहीं सोच सकते ना कि जैसे ही हमने शो किया इतने एक्टिव लोग हैं कि अगले महीने काम शुरू कर देंगे, जिन्होंने दो साल में नहीं किया वो अगले महीने कैसे करेंगे, तो बारिश का मौसम तो दोबारा आएगा। थोड़ा सा वो बताएं कि क्या कंडीशन होती है इनकी बारिशों में, और रात के टाइम जब लोग निकलते हैं तब किस तरह की कंडीशन होती है? बारिश का ये मौसम होता है कि उस वक्त यहाँ से औरतें और बच्चों को गुजरना नामुमकिन है। अब रहा ये कि बड़े बूढ़े जो हैं, ये काफ़ी एक्सीडेंट होते रहते हैं, अक्सर हाँ एक्सीडेंट होता रहता है, लोग सुनते रहते हैं, तमाशाई के तौर पर देखते रहते हैं और गुजर जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि ये आपको क्या लगता है कि क्या वजह है ये सर्विस रोड ना बनने की, क्या वजह? मेन वजह ये है कि यहाँ जो भी है यूसी जो भी है, हाँ, वो यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन जो है उनकी है नहीं, तो वो कहाँ से खर्च करेंगे? खर्च करने के लिए तो एक अच्छी खासी रकम चाहिए ना, हाँ, वो रकम नहीं है, और कौन मुहैया करेगा, कौन इनको प्रोवाइड करेगा? जब प्रोवाइड होगा तो फिर हम लोग उनको ये करेंगे प्रेशराइज की भाई रोड क्यों नहीं बना, जब यहाँ फाइनेंस ही नहीं है तो किसको प्रोवाइड करेंगे? मतलब पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है यहाँ पे। फाइनेंशियल जो है पोजीशन बहुत वर्स्ट है, और कोई आदमी पैसे देने को तैयार नहीं है, कोई भी पार्टी कोई भी ये। ठीक है, अच्छा जी, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो सर्विस रोड की सूरत हाल है, फिर बारिश का मौसम, फिर रात का टाइम, फिर अंधेरा, फिर बुजुर्ग, फिर जवान, फिर बच्चे, फिर बाइकें किस तरह गुजरती हैं, गाड़ियां यहाँ से किस तरह, क्योंकि जिनके घर है तो वो बाइकें तो लेके आएंगे, वो अपनी गाड़ी भी लेके आएंगे, और एक महीने बाद यकीनन गाड़ी में एक अजीब सी आवाजें भी आती होंगी, तो ये मतलब नुकसान जिस्म सेहत का तो हो रहा है, उसके साथ जो आप लोगों ने गाड़ियां बाइकें जो भी रखी उसका भी नुकसान है, पर गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सर्विस रोड बन गया तो फिर वो पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज होंगे, फिर वो यहाँ लगेंगे, आवाम को सुकून नहीं देना, क्या कहना चाहेंगे? सही कह रही हैं, ये तकरीबन बुजुर्ग ने हमारे कहा है दो साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, और कई कैजुअल्टियाँ हो चुकी हैं, एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पे, बच्चे खवातीन गिर चुके हैं, जब बारिश का मौसम आता है यहाँ तो पानी है जो फुटपाथ से भी ऊपर जा रहा होता है, क्या समझे। और जहाँ तक फाइनेंशियल का, ये मुझे नहीं पता, मुख्तलिफ बातें हैं कि बजट भी मिला है, दिया भी है, कहाँ खर्च किया है ये अभी कुछ पता नहीं चल रहा, समझे ना। ऐसी मुख्तलिफ बातें आपने कहाँ से सुनी है कि बजट मिला है और खर्च नहीं हुआ, मतलब
ये तो खैर अब साथ साथ हम शो करते रहेंगे, और भी लोग होंगे जो हमें पूरी डिटेल दे सकेंगे, जो हमें प्रॉपर बता सकेंगे। ये वो लोग हैं जो हमें अपना मसला बता रहे हैं। कुछ लोग यहाँ वो भी होंगे जो प्रॉपर डिटेल भी हमें देंगे, जिनके पास सारी चीज़ें होंगी, जो हमें बताएंगे कि बजट था नहीं था, था तो कहाँ लगा और कहाँ नहीं लगा, और क्यों नाइंसाफ़ी इस शादमान टाउन के साथ हो रही है, शादमान मेन शादमान UC 16, जहाँ लोग इतने शदीद किस्म के परेशान है। अच्छा, ये सिर्फ सड़क का यहाँ मसला है या और भी बहुत सारे मसले हैं? बहुत मसाइल हैं यहाँ पे, और मतलब एक यही पट्टी है जो इस वक्त इस हालत में है, वरना शादमान में दूसरी साइड पे आप जाइए, ये शादमान का 14 भी लगता है। अच्छा। ये समझे ना, यही एक रोड है अब जो अब तक जमाने से नहीं बना है, इससे पहले भी 2-3 मरतबा खुदाई हुई। इवन के यहाँ जो पाइपलाइन गटर लाइन डाली गई है, उनके कनेक्शन तो इन्होंने मकीनों ने खुद अपने उस पर किए हैं, गवर्नमेंट ने नहीं करवा के दी, सिर्फ सीधी सीधी लाइन डाल के चले गए यहाँ से, समझे? ये है मसाइल। अच्छा, मतलब पूरे शादमान का कहीं ये हाल नहीं, ये सिर्फ इस जगह का, इसी जगह का ये हाल है, ये एंड है शादमान का, यही ये हालत है। वरना आप पिछले बैक रोड पे जाइए, 2-3 मरतबा रोड वो बन चुका है, लेकिन ये एक दफा भी नहीं बना है इतने अरसे के अंदर, ये बनाया ही नहीं है। या हो सकता है बन गया हो पेपर्स के अंदर, लेकिन फिजिकली नहीं बनाया। हाँ, मतलब पेपर्स में तो बन जाती हैं चीजें, कोई मसला नहीं है। वो तो हमारे मुल्क में एक चीज बहुत आसान है, कोई स्कूल है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो बंद हुआ हुआ है, पर टीचर्स को सैलरीज मिल रही है, वो पेपर में ऑन है, सारी चीजें हो रही हैं, वहाँ स्कूल बंद है, 10-15 साल से कोई जा ही नहीं रहा, पर ये सारे सिस्टम चलते रहते हैं। अब ये सड़क नहीं बनी, हो सकता है कि बनी भी हो, हमें नहीं पता, हमें नजर नहीं आ रही है, वैसे उनकी सोच में बनी भी होगी, क्योंकि पेपर बनी हुई होगी, ऑन दी पेपर बनी हुई, माल खाली होगा। इस इलाके का वो हाल है कि आप बारिश के दिनों में यहाँ ट्रक खड़े हुए होते हैं, लोग खड़े होते हैं इमरजेंसी के अंदर, जगह नहीं होती यहाँ तो पानी। अच्छा, ये वही जगह जहाँ के लिए पिछले साल कश्तियों का इंतजाम किया जाया था? जी 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 जी, वही जगह है। एक दूसरी बात, लकी लोग हैं, आपके लिए कश्तियों का इंतजाम किया जा रहा है, देखे ना आप। हमने उनसे रिक्वेस्ट किए कि हमें बोर्ड दी जाए जो हम अपने फ्लोरों पर रख ले, ताकि आसानी से जा सके केवाड़ी तक। मतलब काम तो उन्होंने करना नहीं है, करनी नहीं, क्योंकि ये एरिया उनका नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, उनका वोटर नहीं है यहाँ, इसीलिए ये हालत नहीं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि कराची में यही सिस्टम है कि जो जिसका एरिया, जहाँ का जो वोटर हो वहाँ का बंदा काम करेगा, और अगर नहीं है तो ऐसे ही है यहाँ? ऐसे ही उसकी वजह है, मुझे क्या इंटरेस्ट है। अच्छा, ये एरिया के वैसे वोटर कौन है इस एरिया में, थोड़ा सा बताएंगे जरा हमारे देखने वालों को? देखिए, यहाँ आपको जिन लोगों से वास्ता पड़ा है आप समझ नहीं होंगी, क्योंकि आप मीडिया से वास्ता। नहीं, मैं नहीं समझती। उर्दू स्पीकिंग लोग रहते हैं यहाँ, MQM का बोर्ड है, बात खत्म हो गई। मैं आपको एक बात बताऊँ, ऐसे काम नहीं चलता। अगर बे वक्त आप आए और आन के वीडियो बनाए, बे वक्त जैसे बारिश के सीजन में आन के वीडियो बनाएंगे ना, आपको कुछ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ अगर खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाए, किसी आग लग जाए, या फायर ब्रिगेड इतनी जल्दी काम नहीं कर सकता, आप लोगों को निकालेंगे, हेल्प कैसे करेंगे? सबसे बड़ा मसला ये, प्रॉपर कोई काम यहाँ नहीं होता, यहाँ प्रॉपर कोई काम होता ही नहीं। जो यहाँ के लोग हैं, पहले होता था, पहले होता था, पहले तो एक टेलीफोन पे होता था, मतलब जब आप वाले थे ना, बिल्कुल बिल्कुल होता था, और अब भी होंगे, पर तब भी लोग कह रहे थे इख्तियारात थे, पैसे नहीं थे, फंड नहीं थे, वो भी तो थोड़ा सा बताएं ना भाई। उसकी वजह है ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, उसकी वजह बता रहा हूँ, जब पैसे होंगे तो काम होगा ना, जब पैसे ही नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे? अब इस बार भी इख्तियारात मिल गए और पैसे ना मिले, फिर वो अल्लाह मालिक के, फिर देखेंगे, लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे। आ जाए, बिल्कुल आ जाए, बिल्कुल आ जाए। देख पाए, आपको याद होगा एक दफा जब बल्दिया बनी थी, फारूक सत्तार मेयर कराची थे, उस वक्त जो भी इख्तदार बाला में था उसने MQM की हकीकत तस्लीम करते हुए उनको वो इख्तियारात दिए, वो पैसे फंड्स दिए, तरक्याती काम हुए। उसके बाद अफसोस की बात यह है कि जो वफादार होता है वो गद्दार होता है। इस मुल्क में जनरल परवेज मुशर्रफ जैसा आदमी, जिसने पूरे मुल्क में तरक्याती फंड्स दिए, हमारी बल्दिया सिटी नाजिम जो हुआ करता था, जिसको आज हम कमालू कहते हैं, उस शख्स ने अपनी पूरी, पूरा नाम बताएं प्लीज, प्लीज पूरा नाम बताएं। मैं तो इतना ही कहूंगा कमालू, क्योंकि उसने हमारा दिल दुखाया हुआ है। आज उसको अगर किसी स्टेज पे पहुंचाया था तो उसने
काम नहीं किया, मुशर्रफ ने पैसे दिए, पूरी टीम ने भरपूर अंदाज से एक एक पैसा जो लगा सकते थे अपनी कराची को डेवलप किया, वो पूरी टीम थी, उसमें सेक्टर्स भी थे, यूनिट भी थे, मरकज भी शामिल था, तमाम शामिल थे। आज रोना इस बात का है कि पीछे हाथ बांधे हुए और कह रहे हैं काम करो, पैसा कहाँ से लाए भाई, हाथ खोलो, इनको फंड्स दो, इनको इख्तियारात दो, समझे ना, फिर ये बताएंगे आपको कि काम होता कैसे। हमें तो अफसोस यही रहा कि 92 के बाद से आज तक के जो हालात हैं, पीछे हाथ बांध के जो है ना भाई, जो भी आता है, खास तौर पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या नून लीग की हुकूमत हो, इन लोगों ने कभी भी ये नहीं चाहा कि MQM जो है कराची में अपना मैंडेट जो भारी अक्सरियत से रखती है वो अपना रोल प्ले ना कर सके, जिसको देखो कराची पर जो है ना पंजे गाड़ने के चक्कर में लगा हुआ है। अरे भाई, कराची भी आपका है, हम भी आपके हैं, आप कराची को तरक्याती फंड तो दे यार, जब ही काम होगा, जब ही ये बताएंगे साथी कि हम किस तरह से अपने काम करा सकते हैं। आप पूरे शादमान में दौरा करें, ये दारू सुरूर के पास चले जाए, मनोटनों के हिसाब से कचरा लाके फेंक दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, उसका धुआं जो है सामने दुकानदार जो है वो मुतासिर होते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में, जो अकबर स्कूल है वो वहाँ के बच्चे भी मुतासिर होते हैं। आप कहते हो कि कोरोना फैल रहा है, भाई पहले गंदगी तो साफ करो यहाँ से, जब ही तो कोरोना का रोकथाम का हवाला अच्छा रहेगा। चोरी डकैतियाँ, मोटरसाइकिल छीनना, मोबाइल छीनना आम है। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ बड़े यकीन के साथ, आप इलाकों में सर्वे करें, यकीनन आपके नोटिस में होगी ये बात कि इस तरह के अवामिल हो रहे हैं, समझे ना। रोकथाम कैसे होगी, बात सिर्फ मुख्तसरन ये है कि दूसरी जमातें कभी भी नहीं चाहेंगी कि यहाँ पे काम हो। रहा आपके सामने इख्तदार माफिया, जो अभी कुछ माह पहले डिसॉल्व हुई है, उसने पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन महंगाई करी है। आप यकीन करें, अयूब खान था, चार आने बढ़ाए थे, उसको कुत्ता कहकर उतारा गया था। आज क्या वजह है कि हर चीज पर रेट बढ़ रहे हैं? क्या यहाँ पर कंट्रोल प्राइस टीमें नहीं मौजूद हैं? क्या DC मौजूद नहीं है? कराची की इंतजामिया मौजूद नहीं है? क्या हुकूमत मौजूद नहीं है? आज महंगाई हर चीज पर बढ़ रही है, खुद रो पौधे की तरह हर सनतकार, हर ताजिर अपने पैसे बढ़ाए चला जा रहा है। आज आप घी के रेट पता कर लें, तेल के रेट पता कर लें, सब्जियों के रेट पता कर लें, दालों के रेट पता कर लें, चावल के रेट पता कर लें, चाय की पत्ती के रेट पता कर लें, कितना इजाफा हो गया। बड़े अफसोस की बात है, ये चीजें तो आपके मुल्क की पैदावार हैं और आप अपने ही मुल्क की पैदावार को जो है इस तरह से गरीबों पर रौंद रहे हो। अबे भाई, निकलो हुकूमत हाकिम वक्त, निकलो और सच्चे दिल से अल्लाह के आगे सरबा सुजूद होके तौबा करके बोलो कि नहीं, हम हक और सच का साथ देंगे। जो यहाँ पर कराची की कुवत मौजूद है, बल्कि आधे सिंध की ताकत जिसका नाम MQM है, हम उसको साथ लेकर चलें और ताकि ये इस चीज़ की रोकथाम हो, इस्टेब्लिशमेंट भी संजीदगी से उनका साथ दे। आगे आखिर में मैं एक लफ्ज कहूँगा कि मेरी गुफ्तगू में अगर किसी को बुरा लगता है, किसी की दिल आजारी होती है, तो भाई होती रहे। मसूद खान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, आइंदा भी रहेगा। कहते हैं कि किस किस को पाबस्ताएं जंजीर करोगे, हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। थैंक यू जी। जी नाजरीन, आपने सुनी, हमारे साथ हमारे बुजुर्ग मौजूद थे, बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की और दुआ करती हूँ कि बस सेहत तंदुरुस्ती के साथ और हर उस नज़र से इनको बचाएं अल्लाह, जो बड़ी ख़तरनाक नज़र होती है, क्योंकि हक सच बोलने वाला या बहुत ज़्यादा खुल के बोलने वाला इस मुल्क में, इस शहर में, उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। ठीक है जी, अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आप खड़ी हैं नागन चौरंगी शादमान टाउन 14B मारिया लग्जरी अपार्टमेंट के सर्विस रोड के ऊपर। ये सर्विस रोड यहाँ से तकरीबन 750 फिट दूर तक जाता है, यानी 1000 फिट के करीब है। ये पूरा सर्विस रोड जो है यहाँ का बिल्कुल तबाह इसलिए हो गया था कि PTI के दौर में थोड़ा सा यहाँ पर पाइप वाइप डाला गया था, जिसको ऐसे ही छोड़ करके भाग गए थे ठेकेदार। इस पर कोई काम नहीं किया गया और ये इस हालत में है। ये तकरीबन 1000 फिट, अभी आप आगे जाएंगी तो ये देखेंगी कि पब्लिक अपने बददाब के तहत उस रोड की सफाई कराइए, अब वहाँ फैमिलीज और बूढ़े चल सकते हैं। तो वहाँ से अब उसकी जो ढेरियाँ पड़ी हुई हैं वो तकरीबन 25 से 30 डंपर है जो साइड में मौजूद है। अभी आप देख वहाँ दिखा भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसको उठाने के लिए हमारे डिपार्टमेंट में इतनी सख्त नहीं है कि वो इसको आके उठाए। और इसके सैनिटेशन के डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उवैस साहब, उनसे कहा जाए तो कहते हैं जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से बात करूँगा, उनके हवाले से मैं काम करूँगा। तुम्हारा भी एक डिपार्टमेंट है सैनिटेशन का, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इतने सारे लोग हैं, उनमें से किसी को ये जरूरत नहीं है कि ये आगे कर सके। अभी जो डंपर जमा कराया गया, अगर बारिश हो गई तो ये दोबारा इन घरों में घुस जाएगा, इन फ्लैटों में घुस जाएगा और ये तबाह हो जाएंगे। ये इस रोड की बनाई के लिए पिछली आज 1 साल हो गया इस रोड को इस हालत से गुजरे हुए, और ऐसी ही है इसी तरह से। अब हमें उम्मीद ये है कि जब हम लोग मतलब ये जो आस्था कह लीजिए या कोलैबोरेशन कह लीजिए, इसके बाद ये उम्मीद थोड़ा सा वाजे नज़र आ रहा है कि उम्मीद है कि कुछ थोड़ा बहुत काम होता हुआ नज़र भी आ रहा है और हो भी रहा है और होना शुरू भी हो गया है। अगर इसको इसी तरह से परसू किया गया और इसी तरह से बढ़ाया गया तो इंशाल्लाह ताला इससे यहाँ के हालात सही हो सकते हैं, अदरवाइज आपको ये हालात सामने आपके हैं, आपको देख सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा, जब बारिश होती है तो अंदर क्या फ्लैट्स में अंडरग्राउंड पार्किंग है यहाँ पे, वहाँ पानी जाता है या दुकानों में जाता है, क्या सूरत हाल होती है? तकरीबन यहाँ पर जब बारिश होती है तो यहाँ 2 से 2.5 फीट पानी फ्लैटों के अंदर होता है, ठीक है, कुछ फ्लैटों में 3 से 4 फीट होता है, ठीक है, आप इसी निशानात मौजूद हैं। और ये अब जा करके थोड़ा सा काम यहाँ पर रोड पे नागन चौरंगी पे हुआ है, 63 डाया का पाइप डाला गया है जो कि लाइन ये से मिला दिया गया है। माइट बी पॉसिबल कि इस माली इस दौरान थोड़ा सा बेहतर हो सकता है कि वो पानी यहाँ इतना ज़्यादा स्टक ना हो, वरना हालात ऐसे हैं कि इसमें 2 से 2.5 से 3 से 4 फीट तक पानी फ्लैटों और दुकानों के अंदर मौजूद रहते हैं और लाखों रुपए का इन लोगों को नुकसान हो चुका है। ये सारे फ्लैट के अंदर पानी जाते हैं, जो रेजिडेंट्स हैं उनके इस पर पानी जाते हैं, जो शॉप्स हैं मार्केट्स हैं उसमें पानी जाते हैं, दुकानों की तबाह हाली हो जाती है और ये लोग परेशान हो जाते हैं बेचारे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू पहले आपका आने का, क्योंकि यहाँ आपके आने के बाद ही आवाज़ आप मीडिया के जरिए पहुँचा सकती हैं। कोशिश तो सभी कर रहे होते हैं, लेकिन थैंक यू सो मच मीडिया K21 का, बहुत बहुत शुक्रिया पहले कि वहाँ आई, और आपका शुक्रिया। सारे लोगों ने बात करी है और ये इशू इस रूट का नहीं है। अगर हम पूरा राउंड अबाउट लेते हैं, शादमान जाम खड़े हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी आफ्टर किसी वक्त भी बारिश हो जाती है तो ये पूरा डूब जाएगा, फ्लैट डूब जाएंगे। उसके बाद जब फ्लैट डूब जाएंगे तो मैक्सिमम के इलेक्ट्रिक वैसे ही हमें इतना तंग कर रहा है और 3 डेज हमें बंद कर देगा। बात ये है कि मतलब लाइट नहीं आएगी 3 दिन, नहीं आएगी ना, क्योंकि मीटर डूब जाएंगे, जानी हादसा ना हो, उनकी भी मिस्टेक नहीं है। बात ये है कि हाँ करंट ना लगे, बिल्कुल, हम कराची को ऑन करते हैं और कराची माँ है, सबको पाल लिए ना, हर लेवल पे कराची की बात होती है, कराची को सबको लेके चल रहा है, जो भी ज़बान हो किसी को मुखालफत में नहीं जाते, आती है यहाँ कमाती है और चली जाती है। लेकिन जो शहर कराची में रह रहे हैं, जो कराची में पैदा हुए हैं, जो उर्दू बोलने वाले हैं, उनके साथ इतना जुल्म सितम क्यों भाई, क्यों जुल्म सितम? क्योंकि हम उर्दू बोलते हैं, हमारा साथ ये प्रॉब्लम है कि हम उर्दू बोलने वाले पैदा हुए, एक उर्दू घर में पैदा हुए, मेरे भाई उर्दू बोलने वाले, दरिया दिल हैं इनके, मोहब्बत करके तो देखो इनसे, हमारे इख्तियारात दो, हमें काम करने दो भाई, काम करने दो, हमारा जो मसला है उसको हल करने दो। पहले भी MQM ने काम किया और आज भी MQM काम कर रही है, जब इख्तियार नहीं थे, जब भी MQM इस कौम के लिए खड़ी हुई थी, इस कराची में हर कौम आबाद है, हम ये नहीं कहते, हम बिला तफरीक काम करती है MQM, मतलब किसी की दिलाजारी नहीं कर रहे, आप अपना हक मांग रहे हैं, बिल्कुल हक मांग रहे हैं, और हमें हक दो भाई, हम कराची को ऑन करते हैं, हमें हक चाहिए, हमारा हक मिलना चाहिए, आप हमें हक दोगे इतना सा तो हम इतना बड़ा काम करके दिखाएंगे।
ना करके दिखाएं तो फिर बोलिएगा, लेकिन हमें भी, हम भी माजिर हैं, उर्दू बोलने वाले, अपने दिलों से लगाओ, इस सिस्टम को ख़त्म कर दो कि अगर कहीं नौकरियां आ रही हैं किसी भी जबान का है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। माजिर भी भाई इसका हिस्सा है, माजिर पार्ला है, उर्दू स्पीक के रांची में रहता है वो पार्ला है सबको, तो हमें अपना हक चाहिए। और जो यहाँ पे अख्तियार हमें मिले उसमें रिक्वेस्ट करूँगा मैं ऊपर वालों से भी कि भाई हमें पूरे पूरे अख्तियार दें शादमान टाउन के लिए, इसकी हालत देखें कि यहाँ से कोई सही तरह गुजर नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, अगर बारिश हो जाती है तो आप खुद आइएगा देखिएगा क्या हाल होगा। ठीक है जी। अच्छा, ये इनका कहना ये है कि कराची वाले उर्दू बोलने वाले जो हैं उनको उनका हक नहीं दिया जाता अगर वो जॉब के लिए कहीं जाते हैं, और जब नज़र आता है कि ये उर्दू बोलने वाले हैं तो इनको पीछे कर दिया जाता है, और ये कराची के हैं, कराची शहर के हैं तो इनको इनका हक दिया जाए, ना कि वो लोग जो कराची में नहीं रहते और वो हर जगह आपको नज़र आते हैं। तो बात ये नहीं है कि कोई इसमें कोई लड़ाई की या नफरत की बात नहीं है, बात ये है कि ये अपना हक मांग रहे हैं। तो नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं सिर्फ जाती हूँ, बात करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बस ये मसाइल के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अब हम किसी से किसी पार्टी की बात नहीं करते या किसी की बात नहीं करते, जिस वक्त बारिश होती है खवातीन यहाँ पर जो है। अच्छा, पहले थोड़ा सा मुझे ये बताएं, आपकी यहाँ रिहायश है या कोई कारोबार है, क्या है, थोड़ा सा ये डिटेल दें। ये मेरी रिहायश है यहाँ पर ब्लॉक 2 के अंदर। अच्छा। ये है 14B शादमान, 14B नागन चौरंगी मेन, जहाँ पर जो है पानी का जखीरा होता है यहाँ पर, और लोग डूबते रहते हैं, और यहाँ पर जो है ये रेस्क्यूज वगैरह जो होती है वो भी नाकाम हो जाती है। हम लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, बूढ़े टाइप के लोग होते हैं, वो खवातीनों को बचाते हैं, तैरते हुए लोग अपने घरों से ट्यूब टायर ट्यूब वगैरह लाके उनको मदद करते हैं। यहाँ 4 से 3 फुट पानी जो है। औरतें कैसे निकलती हैं उस टाइम, कोई हादसा नहीं होता? डूब जाती हैं बेचारी, उनको निकालना पड़ता है उनको यहाँ से। तो ये बात है, सारी बात जो है मसाइल पे हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, इस पर तवज्जो देना, पार्टी से लेना देना नहीं, हमारा मसला हल हो, सारा मसला हल होना चाहिए। यहाँ पर लोग, यहाँ पर रिहायश है, आपके वोटर हैं, यहाँ पर सब पार्टियों के वोटर हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनको चाहिए तवज्जो दें। कितनी मरतबा मूवी बन चुकी है लेकिन लोग चाहते ही नहीं है कि यहाँ पर काम हो और काम करें लोग। ये गधे घोड़ों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, के यहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी हैं, वकला भी हैं, जजेस भी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं लेकिन कोई तवज्जो ही नहीं, सब यहाँ से गुजर के जाते हैं लेकिन मुझ जैसे गरीब लोगों के ऊपर जो है वो ये कहते हैं हाँ मैं ये ऐसा कर दूंगा, वे यूँ कर दूंगा। तो मुझ पर रोब जलाने के बजाय ये है कि अपने मसाइल को तो देखो, खुद गाड़ी से उतर रहे हो, किस तरीके से उतर रहे हो, पानी में डूबते हुए उतर रहे हो, आप जाके आगे बढ़ाएं बात, लोगों को बताएं, मेन जो ये है बल्दिया है उनको है, और बहुत सारी जो लोग यहाँ तंजीमें काम कर रही हैं उनको बताएं। अब सोशल वेलफेयर तो काम नहीं कर सकती यहाँ पर, जितना करती है वो राशन वगैरह बांट देती है लेकिन ये तो पानी तो नहीं बांटेगी, पानी तो ही नहीं निकालेगी। अच्छा जी, इनका मकसद ये है कि इनके मसले हल हो और ये आवाज़ जो है आगे तक जाए, ये आवाज़ जहाँ जहाँ सुनी जा रही है, यहाँ के मसले हल होने चाहिए क्योंकि बारिशों का मौसम फिर आएगा और फिर यहाँ मसाइल ज़्यादा बढ़ेंगे, और बारिश का मौसम ना भी हो तो फिर भी यहाँ चलना यहाँ एक बड़ा मुश्किल होता है। इंसान चाहता है जहाँ रहे आसपास का माहौल साफ़ सुथरा, अच्छे सड़क, अच्छा रोड, अच्छा माहौल, सारी चीज़ें होनी चाहिए, और अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी यहाँ कोई शॉप है, कारोबार है या रिहायश है? जी, मेरी यहाँ पर शॉप है और खाने चीज़ की रोल की, चिकन रोल वगैरह डिफरेंट किस्म का। लेकिन जब यह मैं यहाँ पर आया हूँ तो इतनी गंदगी है, इतना कुछ है, तो इस खाने की जगह तो यहाँ पर मुझे बंद करनी पड़ेगी, और मुझे मेरा बहुत मतलब ये कि नुकसान भी हो गया है, परमल मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, और इसके अलावा ये देख रहे हैं आप सारी तरफ रोड पे कचरा, बिल्कुल हर तरफ कचरा पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, लोग आते हैं तो खाने की दुकान पर नहीं पहुँच पाते, इस वजह से हमें लॉस हो रहा है।
और मैं बोलता हूँ कराची में, कराची के रहने वाले हम लोग हैं और पूरी कराची का यही हाल किया हुआ है। मुझे थोड़ा सा ये बताएं, कितने अरसे से ये आपने अपनी शॉप खोली है? ये मैं तकरीबन साल होने वाला है। तो साल में लॉस में जा रहे हैं, साल हो गया, बिल्कुल कौन आएगा? मैं जा रहे हैं और हर दफा ये कहते हैं कि अब सही हो जाएगा, अगले महीने सही हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अब शॉप बंद करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ पूरा कराची का ये हाल ऐसा है, और कोई भी हुकूमत आए कम से कम कराची वालों के लिए तो बेहतर सोचे। हर तरफ कचरा कुंडली बनी हुई है, हर तरफ रोड टूटे हुए हैं, तो इससे गाड़ियों की भी खराबी हो रही है, चलना फिरना भी दुश्वार है, और ख़ास तौर पर इस एरिया के अंदर यानी कि गाड़ियां यहां पर आ ही नहीं सकती, ना ही कोई बच्चा आ सकता है, कुछ भी आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड सारा कचरा कचरा है। इसके अलावा इधर सर्विस रोड पर ऑल ट्रांसपोर्टर लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, बसें खड़ी की हुई हैं जो कि नाजायज़ है, कोई यहाँ पर नहीं खड़ी हो सकती हैं। कौन किसने इजाज़त दी, क्यों दी, ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा जी, मैं अशरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या कहेंगे, पूरा शो हमने जिस तरह की बातें सुनी, लोग ये भी कह रहे हैं कि इस इलाके को नज़रअंदाज किया जा रहा है, यहाँ काम नहीं किया जा रहा क्योंकि यहाँ के वोटर नहीं है, ये भी बातें सुनने को मिली, ये भी मिली कि बारिश में बड़ी मुश्किल होती है, ये भी सुनने को अभी नहीं मिली है बात जो कि बिल्कुल सही है कि सर्विस रोड टूटा हुआ कौन आएगा पैसे लेके और अपनी गाड़ी ख़राब करके यहाँ बैठ के खाए, क्योंकि इस सड़क पर अगर गाड़ी चलेगी तो यकीनन उसने भी ख़राब होना है। बिल्कुल, देखें ये बहुत बड़ा अलमिया है कि ये मेन रोड है, नागन चौरंगी से अंडा मोड़ जाने का रास्ता है और ये पूरा सर्विस रोड जिस पे अच्छा हुआ आप आ जाइए प्रोग्राम किया है, तो ये पूरा सर्विस रोड ही ब्लॉक है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि कराची शहर में जब बल्दियाती सेटअप मौजूद था, ठीक है उनके पास इख्तियारात का मसला था, वसाइल का मसला था, मैं खुद भी एक साबिक चेयरमैन हूँ, नहीं डिलीवर कर पाए, लेकिन उस वक्त जब मेयर कराची दो जुमले बहुत कहा करते थे अपनी हर तकरीर में कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, वसाइल नहीं है, तो उस पर उनका बहुत मजाक बनता था। इसके साथ साथ वो दूसरा जुमला एक और कहते थे कि जो भी जमात कराची से मुखलिस है, कराची में काम करना चाहती है, वो हमारे पास आए, हम उसके साथ खड़े होंगे और काम कराए। तो दूसरे जुमले पे बदकिस्मती से किसी सियासी जमात ने गौर नहीं किया। अच्छा, जब इलेक्शन का वक्त आता है तो इस तरह से मुहिम चलाई जाती है कि जैसे हम यहीं मतलब यहीं के रहने वाले हैं और बहुत मुखलिस हैं। आपने देखा होगा सिंध के जितने भी शहरी इलाके और बिलखसूस कराची, यहाँ का नौजवान प्राइवेट जॉब्स में जलीलो ख्वार हो रहा है माजरत के साथ, लेकिन बहरहाल सरकारी नौकरियाँ आती हैं लेकिन कराची का कोटा मौजूद नहीं होता। बहरहाल इसी सिलसिले में एक बड़ा अलायंस चला है, 3.5 साल गवर्नमेंट MQM ने PTI के साथ बनाई थी, बहुत कोशिश की कराची के मसले सिंध के शहरी इलाकों के मसले हल करने की, क्योंकि MQM पाकिस्तान की जो सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ आवाम के मसाइल और सिंध के शहरी इलाकों के। बहरहाल अभी एक नया अलायंस बना है और उसके सम्राट आना भी शुरू हो गए हैं, हमारे तकरीबन यूसीज में सैवरेज के काम शुरू हो गए हैं, कुछ रोड्स के काम हैं वो इंशाल्लाह आने वाले दिन में शुरू हो जाएंगे, इसके साथ साथ नौकरियों का मामला है, ये सारी बातें चल रही हैं। बहरहाल अगर इस दफ़ा भी डिलीवर नहीं किया तो मुत्तहिदा क़ौमे मुत्तहिदा पाकिस्तान का अब ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो कराची और सिंध के शहरी इलाकों के हुकूक देगा और मसाइल हल करेगा, हम उनके साथ खड़े होंगे। अच्छा, यहाँ के मसले पे आप कहीं गए, बात हुई कि ये जो सूरत हाल है इस सर्विस रोड की, और ये सर्विस रोड कोई इतना सा नहीं है, एक बड़ा बहुत लंबा इन्होंने बताया कि 1000 फीट का बताया, इतना ये पूरा समझे कि कितने बीच में कारोबार की भी लोगों की दुकानें हैं, फिर फ्लैट्स भी हैं, फिर लोग रहते भी हैं इसमें, बीमार भी होंगे, सेहतमंद लोग भी होंगे, तो ये मसला आगे आप लेके गए, आपको क्या सुनने को मिला कि क्या वजह नहीं, फंड नहीं है, क्या नहीं है, पैसे नहीं है, नहीं बना सकते, या क्या वजह क्या थी जो थोड़ा सा अगर आप बता सकते? देखिए, अगर फंड नहीं है तो कारपेट नहीं होगा, लेकिन जो DMC में मशीनरी मौजूद है, ब्लेड मौजूद है, ट्रैक्टर ट्रॉली मौजूद है, उसमें तो सिर्फ आपको डीजल डालना है और गाड़ियां यहाँ भेज के इसकी ब्लेड से सफाई करवानी है और उठवाना है। लास्ट टाइम हमने जब कंप्लेन की थी तो डिपार्टमेंट ने थोड़ा बहुत काम किया था और ये ढेर अभी आप देख लीजिएगा आगे लगा के भी गए थे। अभी हमने दोबारा 3-4 बार कंप्लेन की है और हमें यकीन दिलाया कि 2 से 3 रोज में मशीनरी भेजेंगे और एटलीस्ट इतना कर देंगे कि यहाँ से लोगों की आमदोरफ्त आसानी से हो सके। बाकी इंशाल्लाह ताला काम मैंने आपको बताया, अभी मखसूस निशिस की जो MP हैं किश्वर जहराबाजी, उनके काम भी शुरू हो चुके हैं, नॉर्थ नाजाबाद में उन्होंने कुछ काम दिया है क्योंकि यहाँ MPMN मौजूद नहीं है हमारे। और इसके अलावा वफाक से जो एक फ़ंड था हमारा 1100 अरब का जो वादा था, उसका कुछ फ़ंड आ चुका था, कुछ अब बाकी था,
तो उसकी भी उम्मीद है कि महीने डेढ़ में वो भी काम आएगा। और ये सारे काम जो मेन है, बुनियादी काम है और जहाँ से ज्यादा लोगों का आमदोरफ्त है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इन्हीं कामों की है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज। आज हम यहाँ मौजूद थे, यहाँ की सूरत हाल, ये जो सारा ये जो सर्विस रोड है और इसकी वजह से जो लोगों को मुश्किल है, जो यहाँ दुकानें उनको मुश्किल है, उनको अपना काम आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है और वो इस सोच में अब है कि शायद अब उनको ये काम बंद करना पड़ेगा। जो रिहायश है जिन लोगों की, उनके लिए बड़ी मुश्किल है। फिर कहते हैं ना, बारिश जो है वो जब होती है तो फिर आपको आपके दिल में खुशी की लहर आती है कि एक अच्छा मौसम होगा और इंजॉय करेंगे, पर जब बारिश होती है तो यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात होती है। आज हमने नजर डाली यहाँ के इलाके की मुश्किलात पे, कोशिश की कि ये आगे तक आवाज पहुंचाएं और इस मसले को हल किया जाए। K21 कराची की आवाज की कोशिश है कि इसी तरह इलाकों में जाके यहाँ के मसाइल आगे तक लोगों को दिखाए जाएं ताकि इस पे काम हो। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाजत, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।